Case name Sudhir Kumar, and today date is 4th of August 2019. Sudhir Kumar ji, bataiye kyon yahan aaye hain, kya problem face kar rahe hain? Sir, bachpan se meri voice disorder hai. बचपन से नहीं कर सकते, प्यूबर्टी से कर सकते हैं। 15-16 साल की उम्र से ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तो यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख के पता चला काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट आप देते हैं, तो इसी उम्मीद में आया हूँ कि मुझे भी यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ से ठीक होके घर जाऊँगा। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और इसके पहले भी कुछ ट्राई किया था इस प्रॉब्लम को ट्रीट? हाँ सर, इससे पहले तो पहले कभी ENT से सलाह ले चुका हूँ, इलाज करवा चुका हूँ, कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद मैं चेन्नई के फेमस डॉक्टर, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, उनसे इंस्पायर होकर गया था, लेकिन वहाँ जाकर भी मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो उस जब ENT डॉक्टर से मिले थे तो वोकल कॉर्ड का टेस्ट किया था उन्होंने, लैरिंगोस्कोपी? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने बोला कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट आपकी वोकल कॉर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ फिर ट्रीटमेंट लिया? उसके बाद ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या किया था कुछ बता रहे थे? धागा, जो उगला में धागा रखते हैं, तब उगला में धागा बांध देते हैं। अच्छा, हाँ। उसके बाद वो थेरेपी करवाते हैं, वॉइस थेरेपी। तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं उसके बाद? कितने दिन तक भेजते हैं? 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद घर पे बोलते हैं 21 डेज के लिए। 21 डेज के लिए। आपने ये सब ट्राई किया लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ? जी नहीं सर। लेकिन आपको एक बात पता है, कल हमने एक ईएनटी डॉक्टर के पास भेजा था, वो भी एम्स के ही पास आउट हैं। जी सर। इनफैक्ट जब मैं एम्स में पढ़ रहा था तो वो भी एम्स में पढ़ रहे थे, एम एस ई एन टी कर रहे थे। तो आपके वोकल कॉर्ड में फोनेटरी गैप आ चुकी है 2 mm का। जी सर। तो यही कारण है कि हमारे क्लिनिक में जो भी हम लोग थेरेपी देते हैं हमारे सुपरविजन में देते हैं, और युगला में धागा बांधने से वोकल कॉर्ड और वॉइस पे चेंजेस होगा मुझे तनिक भी साइंटिफिक नहीं लगता है, पता नहीं कैसे किया जा रहा है। और जो भी कुछ चेंजेस होते हैं वॉइस थेरेपी से ही होते हैं, तो शायद वो एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ चेंज होता होगा उनके क्लिनिक में भी या फिर उनके थेरेपिस्ट के माध्यम से। लेकिन अगर थेरेपी एक्सपर्ट के सलाह के बिना ली जाती है और विदाउट सुपरविजन ली जाती है तो गलत तरीके से प्रैक्टिस करने से जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप ही खुद बता रहे हैं, जब आप उनके पास गए थे तो फोनेट्री गैप नहीं थी, कल हमने टेस्ट किया तो फोनेट्री गैप है, और वॉइस में जो चेंजेस तो हैं नहीं, सेम ही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो आपके तरह के लोग हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रीटमेंट लें तो एलिजिबल लोग डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। हाँ, देखिए मैं मानता हूँ ENT डॉक्टर जो हैं वो मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं, सर्जरी में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई YouTube पे जाकर क्लेम करता है और असेसमेंट का वीडियो रिकॉर्ड करके कोई डालता है कि मैं एक दिन में फोनिया ठीक कर दूंगा, तो ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है अनप्रोफेशनल लगता है। शायद वो अपनी मेडिसिन या सर्जरी से रिलेटेड काम का वीडियो डालते तो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता। वॉइस थेरेपी के माध्यम से ड्यूरफोनिया को बहुत ही आराम से ठीक किया जाता है एक दिन के अंदर, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि कई सारे पेशेंट्स आपके तरह हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं उस तरह के युविला वाले जो एक्सपेरिमेंट करके कि धागा बांधना फिर शाउटिंग करवाया 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, तो वो स्ट्रेस देकर बोलने से वोकल कॉर्ड्स में खराबी आती है और शायद किसी को फायदा मिलेगा इसके माध्यम से। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।